चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए एक नए उम्मीदवार का नाम सामने आया है। प्रोफेसर देवी सिरोही ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। प्रोफेसर देवी सिरोही चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्राप्त हैं और हिस्ट्री विषय में कई वर्षों तक अलग अलग संस्थाओं में शिक्षा देती रही हैं। चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि शहर में मौजूदा स्थिति को बदल सकती हूँ। कॉलोनियों व छात्राओं के बीच मेरी स्थिति मजबूत है, यही कारण है कि मैंने चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यदि मैं जीत जाती हूँ तो मैं चंडीगढ़ में अटकी हुई विकास परियोजनाओं पर काम करूंगी। मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं जीत सकती हूँ, क्योंकि आज के दिन जो चंडीगढ़ का वोटर है वो काफी एनलाइटन हो गया है। आपको पता है कि चंडीगढ़ जो वोटर्स हैं आज के दिन जो है टीवी के थ्रू एवरीबॉडी नोज व्हाट यू नो, सबको न्यूज का पता होता है और वो इस तरह से एनलाइटन हो गया है कि वो इस उस पे आ गया है, उसका माइंडसेट अब ये हो गया है कि वो कहते हैं कि हम नहीं बिकेंगे और हमें एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि यू नो हमारे शहर के लिए काम करे, हमारे लिए काम करे, ऑनेस्ट हो, क्रेडिबल हो, एक्सपीरियंस्ड हो। वो जो फीडबैक मुझे मिली है वोटर से, उससे तो मैं इसी उस पर आई हूं कि आज के दिन चंडीगढ़ का वोटर वॉन्ट्स चेंज, चेंज फॉर चंडीगढ़। देखिए, मैं आई कैन नॉट रन एनीबडी एल्सेस लाइफ, मैं अपनी जिंदगी जी सकती हूँ, मैं दूसरों की जिंदगी नहीं। आप सेव ना, लोग अवेयर हैं, आप नहीं अवेयर। जो शब्बी काउंसलर उसको एनालिसिस करो, उसमें आपकी पर्सनैलिटी कौन है, आप जैसी पर्सनैलिटी कौन सी, मेयर से लेकर नीचे से आते हैं। देखिए, वो जनता को नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो जनता डिसाइड करेगी कि मैं किस, मेरी पर्सनैलिटी उनके दिल में कहाँ फिट होती है। मेरी पर्सनैलिटी, हम कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन अब पढ़ा लिखा पर्सन पॉलिटिक्स में आना चाहता है बदलाव के लिए। हमें बदलाव चाहिए, हमारे लोगों को बदलाव चाहिए, जनता को बदलाव चाहिए, चेंज फॉर चंडीगढ़। द पीपल ऑफ चंडीगढ़ आर लुकिंग फॉर अ चेंज, उनको एक चॉइस भी चाहिए ना। आप चॉइस तो प्रोवाइड करिए ना।